हे गाइज वेलकम बैक टू यूर अकाउंट क्लास विथ ए न्यू यूनिट दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट होप यू गाइज आर हैपी हेल्थी एंड सेफ एट योर होम नाउ मुविंग टू अवर कंटेंट दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट इट कम प्राइजेस ऑफ एट मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम बोर्ड एग्जाम में ही आपका एट मार्क्स का आएगा सो इम्पोर्टेंट चैप्टर ईच एंड एवरी चैप्टर इज इम्पोर्टेंट इ कैश फ्लो स्टेटमेंट काफी नॉलेजेबल चैप्टर है जो कि आपके आगे भी बहुत अच्छे से यूज होएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट इस चैप्टर से इस यूनिट से हम ये सीखेंगे कि हम अपने कैश का फ्लो कैसे करते हैं फ्लो मीन्स बहाव जैसे कैश का यूटिलाइजेशन कैसा होता है कैसे करते हैं सिंपली वर्ड्स में मैं ये बोलूंगी कि यूटिलाइजेशन ऑफ कैश हम उसको एक फ्लो करते हैं हमारे बिजनेस में कैश का यूटिलाइजेशन यूटिलाइजेशन कहाँ हो रहा है कैश कहाँ कहाँ फ्लो हो रहा है किन एक्टिविटीज में हो रहा है ये सब हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता लगता है नाउ अर्लियर क्या होता था कि हम ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना जरूरी नहीं होता था बट एज पर एस थ्री रिवाइज ए एस थ्री ए एस मीन्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारी जो अकाउंटिंग बॉडीज है उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं ये सारी ही अकाउंटिंग हम उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के थ्रू करते हैं हम जो भी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं वो सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के थ्रू ही होती है और ये जो ए एस थ्री आया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपका ये कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ आप कंपनी में अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाएंगे ताकि पता चले आपका जो कैश है वो कहाँ पे लगा हुआ है या फिर कहां पे फ्लोर है अब ये एस सी काफी कुछ कहता है दैट वी विल स्टडी जहां पर ही आएगा हम वहां पर पढ़ेंगे बाकी इसमें हम आगे बढ़ते हैं मूविंग अहेड इन दिस एंड हेयर इज कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है ये एक जो है जो भी यहाँ पे लिखा है दिस ऑल थिंग्स आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू वंस अगेन इसको रीड आउट कर लेते हैं ये करता है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि आपके कैश आपके एंटरप्राइज में कहाँ पे यूज हुए हैं हमारे कैश फ्लो में तीन एक्टिविटीज होती हैं जब भी हम अपना कैश कहीं पे यूटिलाइज कर रहे हैं देन फॉर डैट हम तीन जगह यूज कर सकते हैं या फिर वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होगी या फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होगी या फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होगी अब ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या है ऑपरेटिंग मीन्स हम अपना कैश कहां लगाएंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में यानी कि जो डे टू डे लाइफ में फर्म में बिजनेस में कंपनी में इंडस्ट्री में एंट्रप्रीनरशिप में डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं जो एक्टिविटीज होते हैं वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज मीन्स हम अपना जो कैश है हम वो कहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं कहाँ पे लगा रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए फॉर लॉन्ग टर्म फॉर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, फॉर लॉन्ग टर्म एसेट्स हम क्या करते हैं अपना कैश लगाते हैं कैश या कैश इक्ुबलेंट्स लगाते हैं कैश इक्ुबलेंट्स क्या होता है जो कैश के ही बराबर होता है तो वो कौन सी एक्टिविटीज होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज नाउ अब इन दोनों एक्टिविटीज के बाद हमारे पास एक थर्ड एक्टिविटी आती है कैश फ्लो स्टेटमेंट में उसे कहते हैं फिनेंसिंग एक्टिविटी अब ये फिनेंसिंग एक्टिविटी क्या होती है ये वो एक्टिविटीज होती है जिनके रिजल्ट से क्या होते हैं चेंजेस इन साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द ओनर्स कैपिटल इसमें क्या होता है इन एक्टिविटीज से जो हमारे ओनर्स होते हैं उनके उनके जो साइज जो फर्म का फर्म जो उनकी कैपिटल का साइज है और जो कंपोजिशन है वो चेंज होता है उनके रिजल्ट से यानी कि वो अपने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का फाइनेंस फाइनेंशियल यूज करते हैं उसका क्या करते हैं फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं कैसे करते हैं बेसिकली ये फाइनेंशियल एक्टिविटीज आपके कंपनी में होती है हम शेयर्स के अकॉर्डिंग इसको इस एक्टिविटी में गो थ्रू करते हैं फॉर दिस वी शुड नो शेयर्स जो आपका कंपनी अकाउंट है हम उसको बाद में पढ़ेंगे पॉसिबली मैं देख रही हूं कि आफ्टर लॉकडाउन जब आप हमारी क्लास हो फेस टू फेस तभी हम अपना कंपनी अकाउंट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पढ़े बिकॉज ये जो चैप्टर है जो यूनिट है काफी इम्पोर्टेंट है और मार्क्स कैरिंग भी है और आपके लिए काफी न्यू है क्योंकि आपने आज से पहले शेयर्स जो है वो पढ़े भी नहीं है एंड प्रॉपर तरीके से आप इसको जानते भी नहीं है सो मूविंग इन दिस चैप्टर ओनली दिस यूनिट ओनली इसके बाद है कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है सिंपली नाउ यू गाइज अब आपको भी पता चल गया है जिससे आप बता सकें एक ऐसा स्टेटमेंट कि आपका कैश कहा लगा है या फिर आपका कैश कहा से आ रहा है कौन सी एक्टिविटीज से आपका कैश आ रहा है नाउ इसमें क्या होता है ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमारा डिक्रीज भी हो सकता है इंक्रीज भी हो सकता है और एंड में हमारा कैश कितना बचा और बिगनिंग में कितना था ये भी हमें इससे पता लग जाता है नाउ हम इसी में आगे बढ़ते हैं एंड दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट अब कैश फ्लो स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है जो मेन पर्पस होता है ना वो क्या होता है लेट अस नो दिस कैश फ्लो से क्या होता है हमें अभी तक आपको जो भी कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में मैंने बताया है आप उससे बाय योर ओन सेल्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट का इंपॉर्टेंट पर्पस जो है वो खुद से बता सकते हैं सी नंबर वन क्या होता है इन्फॉर्मेशन अबाउट द कैश फ्लोज ऑफ एन एंटरप्राइज इज यूजफुल इन प्रोवाइडिंग यूजर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदिसिटी ऑफ एंटरप्राइज टू जनरेट कैश एंड कैश इक्यूबेलेंस इससे क्या होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का पर्पज क्या होता है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना किस टाइप की इन्फॉर्मेशन एंटरप्राइज में हमारी जो एंटरप्रिनशिप है इसके अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट कहाँ हो रहा है और जो हमारे यूजर्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो भी हमारे यूजर्स हैं वो उसको उनके लिए क्या होता है ये इन्फॉर्मेशन काफी यूजफुल होता है तो वो ये इन्फॉर्मेशन उन यूजर्स के लिए वेरी हेल्पफुल होता है दे दे एस एज द एबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज टू जनरेट कैश एंड कैश इक्ुबेलेंस वो इस इंफॉर्मेशन से फॉर्म की एबिलिटी को जेनरेट कर लेते हैं एसेस कर लेते हैं नाउ, नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट पर्पस क्या है इकोनॉमिक डिसीजन जब हमें पता है कि हमारा कैश फ्लो हमने कहां लगाया और किस से हमें कितना आ रहा है कैश फ्लो में दोनों चीजें बताता है एक तो कैश जो कि आ रहा है सेकेंड कैश जो जा रहा है दोनों चीजों के बारे में हमें इससे इंफॉर्मेशन मिलती है नाउ जो जब हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन होगी अपने कैश इनकमिंग एंड आउटगोइंग के बारे में देन हम इकोनॉमिक डिसीजन काफी अच्छे से ले सकेंगे हमारी फॉर्म के पास एबिलिटी होगी कि हम अपने इकोनॉमिक डिसीजन से अपना जो है क्या कर पाएंगे फ्यूचर रिजल्ट जेनरेट कर पाएंगे सर्टेनिटी ऑफ देयर जनरेशन क्या करेंगे हम कैलकुलेट कर पाएंगे और ये कैसे होगा जब हमें कैश फ्लो की प्रॉपर नॉलेज होगी अब ये फ्लो इन अंदर भी आ सकता है यानी कि जो हमारे फॉर्म में जो कंपनी में जो बिजनेस में कैश आ रहा है ये भी हो सकता है सेकेंड थिंग ये कैश हमारी फर्म से जो कैश जा रहा है या फिर कैश के इक्ुबलेंट यानी कैश इक्ुबेलेंट जा रहा है वो कहा जा रहा है जब हमारे पास इन दोनों की ही प्रॉपर नॉलेज होगी देन फर्म के पास एबिलिटी हो जाएगी कि वो अपने जो इकोनॉमिक डिसीजन लेने वाली है या फ्यूचर में सोच रही है टू डे टू टेक दो डिसीजन उसका रिजल्ट एंटरप्रिट करने में काफी हेल्पफुल होगा इवन वो एकट uh, रिजल्ट भी एंटरप्रिटेट कर सकती है सर्टेनिटी ऑफ देर जनरेशन नाउ अब क्लॉज थर्टी टू ऑफ लिस्टिंग एग्रीमेंट क्या बताता है कंपनी शेल प्रोवाइड कैश फ्लो स्टेटमेंट विथ बैलेंस शीट कंपनी क्या है बैलेंस शीट के साथ ही कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रोवाइड करेगी अकॉर्डिंग टू ए एस थ्री इशूड बाई आई सी ए आई नव इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ये जो इंस्टीट्यूट है चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जितने भी अकाउंटिंग बॉडीज है इंडिया में इसी इंस्टीट्यूट के थ्रू चलते हैं और सारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं उंटिंग दिस अकाउंटिंग बॉडी गिव ऑल दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इसमें जो अमेंडमेंट होते हैं अमेंडमेंट मीन चेंजेस आते हैं वो भी आईसीए ही लेकर आती है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया तो ये क्या कहती है उन्होंने ए एस थ्री जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसको रिवाइज करें जो पहले जो ए एस थ्री था वो हमें सिखाता था फंड फ्लो स्टेटमेंट उससे हम क्या निकालते थे फंड फ्लो स्टेटमेंट बट जो रिवाइज ए एस थ्री है उस ए एस थ्री में क्या लिखा हुआ है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट विल बी प्रिपेयर इन अकॉर्डेंस विथ एएस थ्री इश्यूड बाई आईसी नाउ उसमें क्या लिखा है कि जो कंपनी है वो अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाएगी अलोंग विद द बैलेंस शीट एंड पी एन एल अकाउंट यानी कि बैलेंस शीट एंड पीएनएल अकाउंट क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है इनके साथ ही हम कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाएंगे क्लॉस थर्टी टू ऑफ लिस्टिंग एग्रीमेंट ये बोलती है सेकेंड थिंग है नउ इसके बारे में और जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा यू हैव टू प्रेस द बेलाइकन प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे गुड लक